जब से इंडिया अलायंस की चर्चा शुरू हुई है तब से उत्तर प्रदेश का एक नाम चंद्रशेखर आजाद रावण की चर्चा थोड़ी कम हो गई है। वजह यह है कि उन्हें इस अलायंस में अभी तक जगह नहीं मिली। लेकिन एक चर्चा चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी चर्चा जरूर, और वो ये चर्चा है कि वो नगीना सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, पार्लियामेंट की नगीना सीट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी ये सीट बिजनौर का हिस्सा हुआ करती थी और 2009 में बिजनौर से अलग होकर नगीना एक लोकसभा सीट बनी। और पहले भी चंद्रशेखर आजाद अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो इस सीट से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये लगभग तय है कि इंडिया अलायंस में उन्हें जगह मिले ना मिले, ये तय है कि चंद्रशेखर आजाद रावण उस जगह से चुनाव जरूर लड़ेंगे। और ये चर्चा भी इन दिनों चल रही है। दरअसल वो जो क्षेत्र है वो ऐसा है कि वहाँ कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी और कभी बीएसपी, तीन चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की है। लेकिन ये वो जगह है जहां से कहा जाता है कि दलितों की राजनीति एक सियासी एक करवट लेती है, और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस सीट को अपने लिए चुना है। हालांकि आधिकारिक जो अनाउंसमेंट है वो अभी नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर अभी किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस अलायंस में जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन ये सीट इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रशेखर आजाद इस सीट से लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो एससी बिरादरी है, यानी कि जो दलितों की कम्युनिटी है, वो 21-22 फीसदी है, मुस्लिम आबादी भी लगभग 50 फीसदी के आसपास है। ऐसी स्थिति में ये सीट सुरक्षित होने की वजह से एक कह सकते हैं कि मजबूत दलित गढ़ की सीट मानी जा रही है। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि सहारनपुर के रहने वाले हैं चंद्रशेखर रावण, और उनके लिए ये सुरक्षित सीट है। लेकिन बीएसपी भी इस सीट पर अपना पूरा जोर लगाने जा रही है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण लड़ते हैं तो बीएसपी भी किसी ताकतवर चेहरे को उतारेगी। लेकिन ये वो जगह है जहां से चंद्रशेखर की सियासी पारी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि इस सीट पर बहुत कुछ भविष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स का टिका है। युवाओं में चंद्रशेखर लोकप्रिय हैं अक्रॉस उत्तर प्रदेश, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी फॉलोइंग अच्छी खासी है। और इस बार जो उनके चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स, उन्हें संसद में भेजना चाहते हैं। इसलिए जिसे कहते हैं जीरो इन कर लेना, एक सीट अपने लिए लगभग तय कर लेना, तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना सीट को लगभग तय कर रखा है। फैसला कब होगा, इसका अनाउंसमेंट कब होगा, ये देखना बाकी है। कुमार अभिषेक, चुनाव आज तक।